कॉल और हेलो। अभी तक तो आप लोग ठीक ठाक हैं, घरों में रहे, सेफ रहे। तो एनटीआर, जूनियर एनटीआर की रिएक्शंस का सिलसिला बहुत दिनों से जारी है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि यार अब किसी और हीरो पर भी रिएक्शन दो। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई एनटीआर की तुम वीडियोस को देखते हो, ट्रिपल आर मूवी के टीजर से ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। और मुझे ना जूनियर एनटीआर का इतना पता था, ना मुझे एसएस रजामौली का पता था। खैर, लोगों ने कहा कि भाई तू इस दुनिया में नहीं रहता अगर तूने बाहुबली नहीं देखी। और मैं मानता हूँ अपनी गलती कि मैंने नहीं देखी, बट मुझे ये जरूर पता था, ट्रेलर्स वगैरह इसके जब आते थे लोगों से तारीफ में सुनता था। तो बहर यह है कि अब हम फाइनली बाहुबली द बिगनिंग यानी फर्स्ट पार्ट का ट्रेलर देखने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कि मैं उसके सीन्स पे रिएक्शन दूं, ट्रेलर देखना मस्ट है। और आपको बताता चलूं कि ये एसएस रजामौली, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ टॉलीवुड, और जूनियर एनटीआर सुनने में आया कि इनके फेवरेट एक्टर हैं, और इनकी बेहतरीन फिल्म्स के ऊपर हम कुछ रिएक्शन दे चुके हैं, जिनमें से यामा धोंगा भी आती है। तो अब हम बाहुबली का हिंदी वर्जन पे रिएक्शन देंगे। और इसमें यह है कि तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम में मूवी आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हिंदी में इसको धर्मा प्रोडक्शंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, करण जौहर की जो प्रोडक्शन कंपनी है। 180 करोड़ इसका बजट था और 650 करोड़ का इसने बिजनेस किया था। खैर, इसका ट्रेलर हम देख लेते हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे प्रभास का पता है, हीरो है, तमन्ना हीरोइन है, तमन्ना को हमने इंडियन मूवीज में भी देखा है। आई एम रियली एक्साइटेड, इसको देख लेते हैं। देखने के बाद हम इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। Amazing visuals. जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम। जय महेश्वरते। बच्चे को माँ बता रही है भूत प्रेत के बारे में कुछ, और वो बच्चा मेरे ख्याल से प्रभास निकलते हैं। और प्रभास, अब बाहुबली इस मूवी का क्यों नाम है, बाहुबली का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं आइडिया उसका। बीच में कुछ जिक्र जरूर आया था कि तुम बाहुबली का ये रूप हो, या मुझे नहीं पता, भारत तो मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता। प्रभास जो है जुल्म होते हुए दिखाया काफी लोगों पर इसमें, और लड़ रहे हैं, राणा डग्गुबत्ती भी हमको नजर आए, तो इतना ही मैं समझ पाया हूँ। वो जाहिर सी बात है, जब तक हम मूवी नहीं देखते तो हमें सही नहीं पता चलेगा। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार आपने इसको तेलुगु जबान में क्यों नहीं देखा, तो आई एम रियली सॉरी, हिंदी में मैंने देखा इसको।
बट ये है कि हम कोशिश करेंगे, आप हमें बता सकते हैं कि इसके सीन्स जो हैं आप चाहते हैं हम किस जबान में देखें, हिंदी में देखें या तेलुगू तमिल, जिसमें भी आप चाहते हैं देखें उसके सबटाइटल्स के साथ, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है और एस राजा मौली से हम यही एक्सपेक्ट करते थे और जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर वो खरे उतरे हैं, पूरे उतरे हैं। सो आई रियली लाइक इट। अगर मैं इस ट्रेलर के बारे में कुछ समझ नहीं पाया हूँ, कुछ गलत समझ रहा हूँ, तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं ताकि इसके सीन्स देखते वक्त मुझे आसानी हो उसको समझने में। सीन्स का आप मुझे बताएं कि कौन से सीन आप चाहते हैं जिन पर कि मैं रिएक्शन दूं बाहुबली द बिगिनिंग के, सो उस पर नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगा। रिएक्शन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एक और वीडियो में आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।